नमस्कार दोस्तों, आर्यास डिजाइनर स्टिचिंग में आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में स्लीव डिजाइन बनाना बताएंगे। तो इस तरह जितनी लंबाई रखना है उस हिसाब से कट कर लेना है। 6 इंच हमने इसकी लंबाई रखी है और हमें सिंपल स्लीव कट करना है। तो 3 इंच पर आर्महोल का निशान करेंगे, उसके बाद यहीं से कट कर लेंगे। तो ये हमने कट कर लिया, अब इसे कपड़े पर रखते हुए कट करना है। तो ये कट कर लिया, आप देखिए यहाँ से लेंगे, 2 इंच पर मार्क कर लिया। अब यहाँ से इस तरह गुलाई देनी है। अब ऊपर का निशान निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ नीचे दोबारा से देनी होगी। ऊपर हमने छोड़ दिया, 1/2 इंच से थोड़ा ज़्यादा लिया है। अब ऊपर से इस तरह से बनाते आएंगे और नीचे यहाँ से गुलाई इसकी मिला लेंगे। अब वहीं से हमें दूसरी तरफ भी निकाल लेना है। अब यहाँ पर बिल्कुल थोड़ा सा ही रखेंगे, तो इसको इस तरह से अच्छे से मिला देंगे। तो ये इस तरह निकाल लेना है। उसके बाद कपड़ा लेना है और कपड़े की सीधी वाली तरफ अस्तर वाले कपड़े को रखना है और जहाँ से जैसे हमने निशान किया है बिल्कुल वहीं से सिलाई लगानी है। उसके बाद देखिए कट लगा देंगे पूरे पर। कट हमने लगा दिया है, अब इसको पलट लेना है और पलटने के बाद ऊपर से एक सिलाई इस पर लगा लेनी है। तो ये सिलाई देखिए इस तरह से लगा लेंगे, पूरे पर लगा लेना है, साइड से भी और डिजाइंस पर भी, दोनों पर हमें लगा लिया है सिलाई। सिलाई लगाने के बाद हमें देखिए आगे की डिजाइंस को इस तरह से बनाना है। यहाँ पर हमें एक छोटी सी पट्टी लगाकर इसको जोड़ेंगे, 2 लगेगी, 1 देखिए इस तरह से लगाना है। ये हमने छोटा सा कपड़ा कट किया, अब इस तरह से फोल्ड करते हुए सिलाई लगाएंगे। एक और इसी तरह से ले लेना है, देखिए यहाँ पर रखते हुए लगाएंगे, थोड़ा ऊपर से लगेगी। तो इस तरह से लगा लिया है, दूसरी भी लगा लेना है। उसके पहले इस तरह से डिजाइन से बना लेंगे। अब ये डिजाइन यहाँ पर लगेंगी। 3 इंच का चौकोर कपड़ा लिया है और देखिए इस तरह से सिलाई लगाई पहले फोल्ड करते हुए, उसके बाद इस तरह से डिजाइन बनाना है। अब इसको यहाँ पर धागे से अच्छे से बांध लेना है टाइट से और फिर जो कपड़ा सिलाई के बाहर है उसे कट कर देना है। तो इस तरह की डिजाइने हमें 6 डिजाइने ले लेनी है। तो बाकी भी इसी तरह से बना लेंगे, जो बचेंगी सभी डिजाइनें पहले बना लेना है उसके बाद लगाना है। देखिए हमने सभी डिजाइनें बना ली है। अब दूसरी पट्टी यहाँ पर लगा देंगे, थोड़ी दूरी पर देखिए इस तरह से इसको लगा देना है। तो इसे लगाने के बाद अब ये जो डिजाइनें ली है इसको हाथ से ही लगाना होगा। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे, पहले नीचे वाली पट्टी पर रखते हुए ये 2 डिजाइनें इस तरह से लगाएंगे। इसके बीच में एक और लगेगी, पहले इन पर सिलाई लगा लेंगे उसके बाद उस पर लगाना है। इस तरह देखिए लगा लिया है। अब ऊपर वाली पट्टी पर देखिए इस साइड से लगाएंगे, इसी तरह इस पर भी लगा लिया है। अब दोनों पर लगाने के बाद हमें देखिए इस तरह से यहाँ पर एक मोती लगानी है, फिर इसके आगे से छोटी मोतियाँ लगा देनी है। पहले बड़ी डाल देंगे यहाँ पर, अब देखिए छोटी मोतियाँ लगानी है इस तरह से। चाहे तो एक साथ ही डालकर लगा सकते हैं, 5-6 मोतियाँ अब इस तरह से लगानी है।
तो ये देखिए इस तरह लगा लिया। नीचे वाली डिजाइंस पर भी इसी तरह से लगा लेंगे। दोनों पर लगाने के बाद ये डिजाइंस हमारा तैयार हो जाएगा। तो इस तरह आप छोटी स्लीव पर डिजाइंस बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो डिज़ाइन अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक न्यू डिज़ाइन के साथ। धन्यवाद।